गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मन्ने टेरेस गार्डन में और मैं आपकी होस्ट अंजू जम्मू से। फ्रेंड्स, आज आप ये देख ही रहे हैं मेरे बोगनविला पे बड़ी ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ये शेयर किया जाए। और फ्रेंड्स ये देखिए बड़े ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग है ये, अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ ये यहाँ पर ये ऐसे, तो ये मेरा जो प्लांट है ये काफ़ी पुराना प्लांट है और काफ़ी विंटर्स में ये इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी हुई थी, क्योंकि हमारे J&K में सर्दियां भी बड़ी एक्सट्रीम पड़ती हैं और उसके चलते ये काफ़ी मैंने इसकी काफ़ी हार्ड प्रूनिंग भी कर दी हुई थी। तो आज मेरा मन हुआ कि चलो आज आपको इसकी फ्लावरिंग आज आपको इसकी बताई जाए, जो बड़ी ही ब्यूटीफुल सी लग रही है। और इसके साथ साथ बताऊँ कि लॉकडाउन के चलते हम लोगों के पास ना पॉट थे ना सॉइल थी, तो बड़ी मुश्किल से जाकर मुझे कुछ पॉट्स मिले और ये वर्मी कंपोस्ट के बस ये दो पैक मिले। उसके और के साथ साथ ना हमें सॉइल मिल रही थी ना कुछ मिल रहे थे, और बिकॉज आपको पता ही है थोड़ी थोड़ी टाइम में भी गार्डनर्स से रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ती ही रहती हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो हम होममेड जो किचन वे से हम जो कुछ भी हम लिक्विड जो कुछ फर्टिलाइज़र बनाते वो तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़रूरतें भी होती हैं। और आज यही बस यही कुछ पॉट्स थे जो प्लास्टिक पॉट थे, मैंने बड़ा भगवान का शुक्र किया कि चलो मुझे कुछ तो मिला, क्योंकि मेरे काफ़ी जो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ मेरे काफ़ी जो सीडलिंग वगैरह मैंने करी हुई थी जो मुझे ट्रांसप्लांटेशन के लिए उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए मुझे पॉट्स नहीं मिल रहे थे। तो बस यही आप लोगों के साथ आज इतना ही मैंने शेयर करना था। उसके साथ साथ ये मेरा एक अनार का आप जैसे देख ही रहे हैं, ये काफ़ी पुराना प्लांट है फ्रेंड्स, बट इसमें फ्लावरिंग बनती है बनती थी और गिर जाती अभी भी गिर जाती है, लेकिन मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि आप इसमें भी फ्रूटिंग देखने को मिले। तो और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर अगर बताऊँ कि यहाँ पर मेरे लेमन की भी कुछ बड़े अच्छे से इसकी फ्रूटिंग हो रही है, ये जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये छोटी छोटी इधर से फ्रूटिंग हो रही है इसकी यहाँ पर, ये अगर मैं यहाँ से बताऊँ यहाँ से हो रही है, तो बड़े अच्छे से हो रही। और काफ़ी टाइम मैंने इसके इसकी जो फ्रूट्स थे मैंने इसके ये मैंने निकाल भी दिए फ्रेंड्स, पता नहीं आपको धूप में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक इसके लेमन्स जो थे वो निकाले। वो बड़ा अच्छा लगता है जब घर में आपने कभी कोई फ्रूटिंग वाला प्लांट या वेजिटेबल वाला प्लांट लगाया हुआ होता है, जब वो फ्रूटिंग पे आता है सबसे खुशी की बात यही होती है। और यहाँ पर शायद मेरा एक आंधी तूफान की वजह से कुछ लेमन गिर भी गए थे। तो आज का बस टॉपिक तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों के साथ इतना ही शेयर करना था कि मेरे बोगनविला पर फ्लावरिंग बड़े अच्छे से हो रही थी। और आशा करती हूँ आज को ये छोटा सा व्लॉग जो किसी ट्यूटोरियल पर तो नहीं था वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।